हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेन सिंह और आप परीक्षा दृष्टि यूट्यूब चैनल देखना प्रारंभ कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अभी दो क्लास ले चुके होंगे आरआरबी एनटीपीसी की और ये आज आपकी आखिरी क्लास है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग जीए पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। इस क्लास में आप लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, यानी जिसे हम लोग सामान्य जागरूकता के नाम से जानते हैं। तो आज मंडे है और मंडे के हिसाब से आपका जो शेड्यूल है वो आज क्या है? आज है हम लोगों का साइंस पढ़ने का। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, ठीक है ना। देखिए, साइंस में बता दें कि साइंस जो होती है, साइंस को हम मुख्यतः तीन भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? तीन भागों में पढ़ेंगे। वो तीन कौन कौन से भाग होते हैं? पहला तो आपका देखिए होता है फिजिक्स का। कौन सा होता है? फिजिक्स होता है। दूसरा हमारा होता है केमिस्ट्री का, और तीसरा हमारा होता है किसका? बायोलॉजी का, ठीक है ना। ये हमारे तीन पार्ट है और इन तीन पार्ट में हम लोग क्या करना है? साइंस हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या? फिजिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान आपका होता क्या है? जो भौतिक विज्ञान होता है, इस भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग द्रव्यों या फिर पदार्थों के गुणों व संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि एक तरह से बोला जाए कि जो फिजिक्स होती है, यानी कि जो भौतिक विज्ञान होती है, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम द्रव्यों तथा पदार्थों, द्रव्यों व पदार्थों के गुणों व उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो हमारी केमिस्ट्री होती है, इस केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं? हम इस केमिस्ट्री में क्या करते हैं? केमिस्ट्री हमारी यानी जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान हमारे विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? द्रव्यों और पदार्थों के संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी अभिक्रियाओं और क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और जहाँ बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम पादपों और जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो होता है आपका जीव विज्ञान, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या? फिजिक्स। तो आज हम लोग फिजिक्स से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। देखिए, फिजिक्स से काफी क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं, इसलिए आज हम लोग फिजिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग आज फिजिक्स में पढ़ेंगे मापन। क्या पढ़ेंगे? मापन, या जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट्स, ठीक है ना। देखिए, क्या मेजरमेंट्स की क्या कोई आवश्यकता है? हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग मेजरमेंट्स क्यों पढ़ते हैं? क्या हमें कोई मेजरमेंट्स की आवश्यकता है? जी हाँ, हमें मेजरमेंट्स की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं उन सब को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वजन हो, चाहे दूरी हो, चाहे समय हो, कुछ भी हो, हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हम लोग क्या करते हैं? उन्हें मापते हैं। यहाँ तक कि हवा भी बहती है तो हम हवा को भी माप लेते हैं कि उसकी हवा की गति क्या है, ठीक है। तो हम लोग आज मापन प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बताने की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है कि दैनिक जीवन में मापन की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। हम मापन से एक तरह से घिरे हुए हैं। यहाँ तक कि यदि हम सुबह उठते हैं, हमारे घर में दूध आता है तो उसे हम मापते हैं, कितने लीटर आया, ठीक है ना। हम चाय बनाते हैं, चाय में हमें चीनी की आवश्यकता पड़ती है, चीनी कितने रुपये किलो आती है, हमें कितने किलो चाहिए, हमें चाय में कितने चम्मच डालनी है, यानी कि हर चीज़ हम लोग मापते हैं, ठीक है ना। तो मापने से हमें याद आया कि मापने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। क्या होती हैं? मापने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। और जो मापते हैं, इन माप किसी चीज़ को जब हम मापते हैं तो किस में मापते हैं? मापने के लिए हमारे पास उसके लिए क्या होता है? मापने के लिए हमारे पास क्या होता है? किसी भौतिक वस्तु को जब हम नापते हैं तो उसे मापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। यानी जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो वह हमें किस में मापते हैं? हम मात्रक मापते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको अभी समझ में आया हो तो देखिए, जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि मान लीजिए लंबाई ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक भौतिक राशि है लंबाई, ये क्या है? ये लंबाई क्या है? ये भौतिक राशि है। और जब हमें इसे नापना होता है, या जैसे हम मापना बोलते हैं, हमें मापना होता है, तो मापते हैं हम किस में? लंबाई को हम किलोमीटर में भी मापते हैं। मापते हैं ना किलोमीटर में। जब हम किलोमीटर में, या फिर आप मीटर बोल दीजिए, हम लोग मीटर में मापते हैं, तो ये मीटर होता है, ये क्या होता है? ये मात्रक होता है, ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं आखिर क्या होता है। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अभी हम लोग बार बार कह रहे हैं भौतिक राशि,
तो आखिर ये भौतिक राशि होती क्या है? देखिए, भौतिक राशि जो होती है वो फिजिक्स की भाषा में वो उन सारी चीज़ों को बोलते हैं जिन्हें हम लोग माप सकते हैं, ठीक है ना। उन सभी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं जिसे हम लोग माप सकते हैं, वही भौतिक राशि है। जैसे कि समय, लंबाई, ताप, ठीक है ना, और आपकी चाल, वेग, विस्थापन, दूरी, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये भौतिक राशियाँ होती हैं। देखिए फिजिक्स में जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, ये भौतिक राशियाँ जिसे हम लोग अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ये भौतिक राशियाँ हमारी क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ हमारी दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? भौतिक राशियाँ हमारी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी भौतिक राशि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। और एक हमारी होती है क्या? एक हमारी होती है सदिश राशि, ठीक है ना। यही आप लोगों ने दो पढ़ी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि एक राशि और होती है, जो आपको जल्दी से पढ़ने को नहीं मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्रदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रदिश राशि बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कौन सी होती है हम बताते हैं आगे। देखिए अदिश राशियां हमारी जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्केलर क्वांटिटीज। जो हमारी अदिश राशियां होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं जिन्हें हमें पूर्णता व्यक्त करने के लिए या मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मापने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या होती है? हमें केवल मापने के लिए उन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां वे भौतिक राशियां कहलाती हैं जिन्हें मापने के लिए हमें परिमाण की तो आवश्यकता होती होती है, परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। और प्रदिश राशियां क्या कहलाती हैं? प्रदिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम ना परिमाण चाहिए ना दिशा चाहिए, या फिर ऐसा कहिए कि प्रदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मापने के लिए क्या हो, कभी दिशा चाहिए तो कभी नहीं चाहिए, ठीक है ना, कभी परिमाण चाहिए कभी नहीं चाहिए। ऐसी राशियां हमारी प्रदिश राशियां होती हैं, ठीक है ना, जिन्हें मापने के लिए ना तो हमें परिमाण चाहिए और ना ही दिशा चाहिए। इन्हें कुछ अलग तरीके से ही मापा जाता है और ये सिर्फ दो होती हैं, ठीक है। तो अधिस राशियां, अब बात आती है अधिस राशियां होती कौन कौन सी हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपके परीक्षा में जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है। कोई राशि दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि बताइए कि ये सदिश राशि है या अधिस राशि है, ठीक है, या फिर प्रदिश राशि, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो अधिस राशि होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिए अधिस राशि में आपका सबसे पहले आता है द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान आता है। क्या होता है? द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान, ठीक है। आप मार्कर चेंज कर दे रहे हैं इससे थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान जो होती है, जो द्रव्यमान होता है, यानी कि जैसे 5 किलो आप लेने गए, 5 किलो चीनी, तो आपको उसे मापने की केवल एक मतलब मैथमेटिकल आपको कोई टर्म चाहिए तो आप उसे नाप लेंगे आसानी से, ठीक है। दूरी है, जैसे हमें दूरी मापनी है तो आपको उसे पूछा जाए कि यहां से स्कूल कितने दूर है, तो आप क्या बताओगे? 4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, यही आपने बता दिया। तो जो 4 या 5 क्या होगा? मैथमेटिकल टर्म हो गए ना, तो आपको ये क्या चाहिए? दूरी भी आपका क्या हो गया? परिमाण हो गया। और बात की जाए, समय है, चाल है, ठीक है ना, समय हो गया, चाल, और समय क्या हो? समय घड़ी में, अब घड़ी में आप ये तो बताते नहीं है, यदि आपसे कोई पूछता है कितने बजे तो आपने बोल दिया भाई 4 बजे हैं, ठीक है ना, सुबह के 9 बजे हैं, 9:30 हैं, या आपने कभी ये तो नहीं कहा होगा कि 9 बजे हैं उत्तर दिशा में, क्योंकि वहां दिशा की आवश्यकता हमें नहीं होती है, ठीक है ना। इसी तरह ऊर्जा है, विद्युत आवेश है, ठीक है ना, ये सारी क्या, विद्युत धारा है, ये सारी क्या है? ये सारी की सारी अधिस राशियां होती हैं, ठीक है। अब बात आती है सदिश राशि की, सदिश राशियां कौन सी होती हैं? तो सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें हमें दोनों चाहिए। जैसे कि पहला ले लीजिए आप विस्थापन, ठीक है ना, जो विस्थापन होता है, यदि आपसे पूछा जाए यहां से आपका स्कूल कितनी की विस्थापन क्या है, तो क्या होगा? आपको वहां पे दूरी तो बतानी पड़ेगी, यानी कि आपको जो परिमाण है वो तो आपको बताना पड़ेगा, आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। इसी तरह बल है, वेग है, त्वरण है, ये सारी क्या है? ये हमारी सदिश राशियां होती हैं। और प्रदिश राशि में केवल दो आती हैं, एक होती है कोण
और दूसरा होता है घन कोण, ठीक है ना। एक कोण होता है, दूसरा घन कोण होता है। कोण को हम लोग जो मापते हैं, जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी भौतिक राशियों की बात। इन भौतिक राशियों को मापा कैसे जाता है? देखिए, इन भौतिक राशियों को मापने के लिए कुल चार विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? इन भौतिक राशियों को मापने की जो विधियां हैं, क्या है? मापने की जो विधियां हैं, या हम उसे बोल सकते हैं पद्धतियां, क्या बोल सकते हैं? पद्धतियां हैं। वो कितनी होती हैं? वो चार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो चार? तो उसमें पहली होती है आपकी CGS पद्धति, एक होती है आपकी FPS पद्धति, एक होती है आपकी MKS पद्धति, और एक होती है आपकी SI पद्धति, ठीक है ना। ये आपकी चार पद्धतियां होती हैं। आखिर इन चार पद्धति में इनका अर्थ क्या होता है? CGS क्या है, FPS क्या है, MKS क्या है, SI क्या है? देखिए, जो CGS पद्धति आपकी होती है, ये CGS पद्धति फ्रेंच की है। इसका प्रयोग फ्रेंच में किया जाता है, ठीक है ना, यानी फ्रांस में किया जाता है, जिसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम। क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। FPS क्या होता है? जो FPS होता है, FPS का जो प्रयोग होता है वो ब्रिटिश में किया जाता है, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। FPS में F का मतलब होता है फीट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब सेकेंड, यानी कि समय को सेकेंड में ही मापा जाता है, सेकेंड समय को चेंज नहीं किया गया। अब आते हैं MKS। MKS हर जगह यूज की जाती है, ठीक है ना, हर जगह MKS यूज की जाती है। MKS यानी कि मीटर, के मतलब किलोग्राम, ठीक है ना, और S मतलब होता है सेकेंड। तो यहां पे ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड का प्रयोग किया जाता है वो CGS पद्धति, जिस पद्धति में फीट, पाउंड और सेकेंड का प्रयोग किया जाता है वो हमारी FPS पद्धति, और जिस पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड का प्रयोग किया जाता है वो MKS पद्धति, और SI मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनल लेवल पर यूज किया जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ये, ठीक है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वो होती है हमारी SI पद्धति, ठीक है ना। तो ये चार पद्धतियां होती हैं, इन चार पद्धति के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मापते हैं। अब मापते किसमें? ये जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फीट, पाउंड ये दिख रहा है ना, यही क्या है, ये मात्रक है। क्या है? मात्रक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भौतिक राशियां हमारी होती हैं, ये भौतिक राशियां कितनी होती हैं? भौतिक राशियों में भी मूल राशियां होती हैं, ठीक है ना, दो तरह से तो बांटा, सॉरी तीन तरह से बांटा गया सदिश प्रदेश में, लेकिन इनका जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो कैटेगराइजेशन दो तरीके से और किया गया है। वो कैसे? जो दो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये जो भौतिक राशियों की दो तरीके और बताए गए हैं वो क्या हैं? वो हमारे मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है ना, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हैं। अब ये क्या होती हैं? देखिए, भौतिक राशियां जो होती हैं, इन भौतिक राशियों को क्या किया गया है, दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक होती हैं मूल राशियां, एक कौन सी होती हैं? मूल राशियां, और दूसरी हमारी होती हैं व्युत्पन्न राशियां, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक होती हैं मूल राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। वो तो हमारी अलग थी, जो हमने अभी पढ़ी थी ना सदिश, अदिश, अप्रदिश, वो हमारी राशियां क्या है, सबको कैटेगराइज वो अलग तरह से किया गया, यानी परमाणु दिशा के आधार पर। लेकिन जो हमारी सारी राशियां हैं, उन राशियों को जो विभाजित किया गया है, जो पढ़ा जाता है, वो दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो होती है मूल राशियां। जो मूल राशियां टोटल कितनी होती है? टोटल होती है सात। कितनी होती है? सात। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों की मदद से बनती नहीं है, यानी कि स्वयं ऑलरेडी होती है, ठीक है ना, स्वयं होती हैं, इन्हें किसी अन्य राशियों की सहायता से बनाया नहीं जा सकता है। और व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। बात क्लियर ना? मूल राशियां वे होती हैं, यानी मूल यानी फंडामेंटल। मूल मतलब क्या होती है? मूल का मतलब है फंडामेंटल। क्या है? मूल का मतलब होता है फंडामेंटल, ठीक है ना, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज।
ठीक है ना, यानी कि मूल राशियां वे राशियां जो किसी की मदद से नहीं बनाई जा सकती हैं, और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की मदद से बनाई जा सकती हैं। तो मूल राशियां कुल कितनी होती है? सात होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो मूल राशियां जो सात होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, और उन्हें मापते कैसे हैं, उसके बाद हम आते हैं व्युत्पन्न राशियों पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं ये राशियां। तो देखिए ये कुल सात होती हैं, जो मूल राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं, मूल राशियां जो होती हैं, मूल राशियां ये कितनी होती हैं, मूल राशियां होती हैं सात, एक दो तीन चार पांच छः और सात, ठीक है ना। कुल कितनी होती हैं, ये कुल होती हैं सात। कौन कौन सी? पहली तो होती है लंबाई, ठीक है ना, किसी की सहायता से बनती नहीं, मूल है। द्रव्यमान किसी की सहायता से नहीं बनती। समय, ठीक है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तापमान, ठीक है ना, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। ये होती हैं सात मूल राशियां, और इन मूल राशियों को यदि हम इनके मात्रक देखें कि आखिर इन्हें मापा कैसे जाता है, तो हम इनके मात्रक की बात कर लेते हैं। देखिए लंबाई को मापा जाता है मीटर में, ठीक है ना। द्रव्यमान को मापा जाता है किसमें? किलोग्राम में। किसमें मापते हैं? किलोग्राम में, आप लोग भी जानते हैं। समय को मापते हैं किसमें? सेकेंड में। किसमें? सेकेंड में। विद्युत धारा मापी जाती है हमेशा एम्पियर में। तो ये मापे जिसमें जाते हैं ना वही मात्रक होते हैं। तापमान जो होता है वो मापा जाता है केल्विन में, ठीक है। ज्योति तीव्रता हमेशा मापी जाती है कैंडला में, ठीक है। पदार्थ की मात्रा मापा जाता है मोल में। इसके मात्रक हो गए। अब मात्रक के साथ साथ यदि हम चाहें तो इसके संकेत को भी देख सकते हैं, इसके जो संकेत होते हैं, ठीक है ना। जो मीटर होता है मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से करते हैं, सेकंड को एस से करते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, और कैंडला को सीडी से, और मोल को स्मॉल एम ओ एल से करते हैं, ठीक है ना। मूल राशियां हो गई, ये मात्रक हो गए, और ये हो गए संकेत, ठीक है ना। यही क्या है हमारी, ये क्या है, ये हमारी सात मूल राशियां जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, और यही हमारे सात मूल मात्रक होते हैं। अब इनकी सहायता से व्युत्पन्न राशियां कैसे निकलती हैं वो दिखाते हैं, ठीक है ना। व्युत्पन्न राशियां कैसे निकलती हैं, जैसे कि एक व्युत्पन्न राशि हम लोग ले लेते हैं, क्या क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल होता है एरिया। और जो एरिया होता है ये भौतिक राशि है ना। जो भौतिक राशि है ये निकाली किससे जाती है, मूल राशि से। कैसे? जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है इसका होता है लंबाई गुणा लंबाई, या लंबाई गुणा चौड़ाई, आप ऐसे ले लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक है मीटर। क्या है? लंबाई का मात्रक है मीटर। और चौड़ाई भी मापी जाती है मीटर में ही। किसमें मापी जाती है? मीटर में ही। मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है मीटर स्क्वायर। और इसे संकेतों में लिखते हैं, संकेत में ऐसे लिखते हैं मीटर स्क्वायर। यानी यहां पे एक बात क्लियर हो गई कि देखिए क्षेत्रफल एक मूल राशि नहीं है, ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है, इसकी सहायता से निकली। कैसे? क्षेत्रफल एक क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल एक राशि यानी भौतिक राशि है, और जो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है मात्रक? मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो मीटर स्क्वायर किससे बना, इससे बना, यानी मूल राशि से बना। इसका मतलब जो क्षेत्रफल है ये क्या है, ये एक व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक है ना। इसी तरह आयतन देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए आयतन, ठीक है ना। जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। लंबाई को मापते हैं मीटर में, फिर चौड़ाई को भी मापते हैं मीटर में, और ऊंचाई को भी मापते हैं मीटर में। तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनता है मीटर क्यूब। संकेतों में लिखेंगे तो मीटर का, मीटर की पावर तीन या मीटर क्यूब। यानी आयतन का जो मात्रक हो गया मीटर क्यूब निकला है, और संकेत में मीटर
एम क्यूब निकला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये हमारी व्युत्पन्न राशियां हो गई, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई ना, बात क्लियर ना इतनी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट राशियां देख लेते हैं, जो हमारी व्युत्पन्न राशियां जो हमसे पूछी जाती हैं, उनके मात्रक पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, और कहिए तो उनका फॉर्मूला भी लिख देंगे साथ में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग कुछ राशियों के बारे में देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये हैं कुछ हमारी व्युत्पन्न राशियां, क्या है हमारी कुछ व्युत्पन्न राशियां, जिसमें अभी देखिए हम लोगों ने क्षेत्रफल बताया, तो क्षेत्रफल मैंने फिर से लिख दिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को मापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी मापते हैं मीटर में, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या निकला, हमारे पास मात्रक निकल आया। इसी तरह दूसरा है हमारा आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और सबको हम तीनों को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको हम मीटर में मापते हैं, तो मीटर गुणा मीटर होगा, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मीटर क्यूब मिल गया, ठीक है। इस तरह अगला हमारे पास घनत्व, घनत्व हमारे पास व्युत्पन्न राशि है। घनत्व का जो सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग किलोग्राम में, आयतन को मापते हैं मीटर क्यूब में, ये निकल आया हमारा, ठीक है ना। तो क्या होगा, किलोग्राम प्रति किलोग्राम बटा मीटर क्यूब हो गया, जिसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं kg अपॉन m क्यूब, ठीक है। और m3 को यदि ऊपर ले जाएंगे तो ही माइनस में चला जाएगा। इस तरह चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी को मीटर मापते हैं, समय को सेकंड मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड आ गया। इसी तरह वेग देखते हैं, वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन को हम लोग मापते हैं किसमें, मीटर में, समय को मापते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा। इसी तरह त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, यानी त्वरण की जो परिभाषा होती है वो भी होती है क्या, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन है आपका मीटर पर सेकंड, और अब समय होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया क्या, त्वरण का मात्रक। इसी तरह बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है ना। क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है ना, तो एम द्रव्यमान और ए होता है त्वरण, द्रव्यमान हो गया किलोग्राम, त्वरण ऊपर से निकला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बन गया क्या, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम मीटर पर और सेकंड पे इनवर्स लग, सॉरी माइनस टू पावर आ जाएगी। बल का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन। बल का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे निकल आए। अब आपको इसमें कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको करना है, जैसे कार्य शक्ति, दाब, ऊर्जा, तरंग है, आवेश, ऊष्मा, प्रतिरोध, विद्युत, सॉरी विभव और पृष्ठ तनाव। ये बाकी की कुछ और भी व्युत्पन्न राशियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इन्हें सर्च करेंगे अपनी बुक से, क्योंकि आपको पास पक्का कोई ना कोई बुक होगी, आप उसमें से सर्च करिए, सर्च करके नीचे वीडियो में आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना। यदि आपको नहीं आता है तो मैं फिर आपको सबके सारे क्या बताऊंगा, सबको बता दूंगा, ठीक है ना। आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो एक चीज तो हमारी यहाँ पे खत्म हुई कि हम लोग क्या सीखे, हम लोग एक चीज सीख गए, मात्रक निकालना और सदिश सदिश राशियों की पहचान करना, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम चलते हैं कि कुछ चीजें और इसमें जान लेते हैं जो पूछी जाती है। वो पूछे जाते हैं कुछ यंत्र, क्या पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कुछ यंत्र पूछे जाते हैं और उनका कार्य पूछा जाता है कि इस यंत्र का क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए उस पर चलते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने मापन पढ़ लिया, अब हम लोगों ने क्या है कि अब मापन में हम ये लोग जो आपके सामने बोर्ड में दिख रहा है वो ये लिखा हुआ है कि हम लोग मापक यंत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं, जो मापक यंत्र होते हैं उनसे हम क्या मापते हैं, किस मापक यंत्र से हम क्या मापते हैं, ये भी आपके रेलवे की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि मिल जाएगा आपको। देखिए ऑडियोमीटर होता है, ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को। उसके बाद बात आती है एनेमोमीटर की, एनेमोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायु की गति यानी उसकी स्पीड को मापते हैं, किसकी, एयर की स्पीड को। उसके बाद आपका है नेक्स्ट आमीटर, आमीटर से हम लोग विद्युत धारा का मापन करते हैं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद आया क्रोनोमीटर, जलयानों में जो हमारे जलयान होते हैं जैसे पनडुब्बी वगैरह, उसमें जब सही समय का पता लगाना होता है तो हम लोग वहां पे क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, पौधों की वृद्धि नापने के लिए हम लोग क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर एक मापक यंत्र है, इससे हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। उसके बाद अगला है गाइकर मूलर काउंटर, जो गाइकर मूलर काउंटर है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो विकिरण होते हैं उनके विकिरण को मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है।
अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। अगला है जैसे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि इसका जो मॉइस्चर होता है उसको हम लोग मापते हैं। लैक्टोमीटर आप लोग जानते हैं, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का पता लगाया जाता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर से गैसों के दाब का पता लगाया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप से पनडुब्बी से समुद्र की सतह जब पनडुब्बी जो नीचे होती है समुद्र की जो सतह है कि सतह कहाँ पे है ऊपरी उसे पता लगाने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पायरोमीटर। पायरोमीटर की सहायता से हम लोग उच्च ताप का मापन करते हैं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं। रेन गेज क्या होता है, रेन गेज की सहायता से हम लोग वर्षा का मापन करते हैं। रेन से ऐसी समझ में आ रहा होगा। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या करते हैं, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। सोनार क्या होता है, सोनार जो SONAR होता है ना, SONAR इस तरह आपने देखा हुआ लिखा हुआ, सोनार की सहायता से समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जा सकता है। जैसे दुश्मन की पनडुब्बी वगैरह पानी में छुपी ऊपर नहीं दिखती है तो क्या करते हैं, सोनार रेज डाल के हम लोग पता लगा लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग विभव को नियंत्रित करते हैं यानी विभव को कम और ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ मापक यंत्र हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना। अब लोग हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी मैं अलग से वीडियोज बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।